त्या कुड़ी ना जुद्दन ने मेरे कमरे में वड़ी है ना इन्हें पूरा कमरा तहस नहस किया है। पता नहीं मेरे सामान हाथ क्यों लाती है। What he is looking so madly? ऐदा गुस्सा करके कोई चीज मिल जाती तो गाली की सी पागल। Excuse me, तुसी आ लाभ रहे हो? हेलो, मेरे सामान ना हाथ लाने की लोड़ नहीं आएगी, समझी तू? अच्छा जी, तुसी मेरे सामान चक के आग ला दो, मैं तुहाडे सामान नू हाथ भी ना ला। वाजी वाह, अपने सामान नू ना अपनी साइड रखा कर, मेरी साइड ना रखा कर, मेनू भी स्पेस की जरूरत है, समझिया? इन्नी प्रॉब्लम है ना, तो निकल क्यों नहीं जाती इथों? मिस्टर पुखराज जी, कान खोल के सुन लो, मैं किते नहीं जावांगी। इस घर विच, इस कमरे विच ना मेरे नाल एडजस्ट करन दी आदत पाल है, मैं किते नहीं जावांगी। तेनू जाना पएगा। भाई किथे जान दिया गल्ला हो रही ने पुत्र? मम्मी जी, मैं सैम नाल बाहर घूमन की गल कर रहा सी। मैं ना तेरे वास्ते कॉफी बना के ले आई सी। मैं सोचा वाइफ दे हाथों का खा खा के मेरा पुत्र कि मां दे हाथ का स्वाद ही ना भूल जाए। तेरी फेवरेट ले पी ले। खुश रहे। वो पुखराज संभल गए। तू हर काम ना काली नाल करता है। मुंह जला लेना अपना। रुक, मैं पानी लेके आनी। रुक। पानी पी, पानी पी, पानी। Are you okay? किथे जान दी गल कर रहे सी ये दोनों? एक पासे ता इन्हां दोनों विच कुछ भी ठीक नहीं ते दूजे पासे घूमन जान दी गल। किते ए हनीमून ते जान दी गल ता नहीं कर रहे? मणि, की कह रही सी तू हुणे? सैम ते पुखराज दा हनीमून? नहीं नहीं, मैं ता बस कुछ होर ही सोच रही सी। बानी ये गलत भी की है, आप तो सोचे ही नहीं सैम ते पुखराज दे हनीमून का। चलो वधिया, तू याद कराता, हुण करदे आ बीजी नाल सलाह ते फिर कुछ वधिया जिहा प्लान करदे आ। मैं तो बस एवें सोचा ही सी, ये तो सीरियस ही लैके मूहों कोई गल कढ़ना ही माड़ा है मेरे लिए। गुरबख्श जी, हले नवा नवा विआह होया इन्हां दोनों का, तो यह सब करन दी लोड़ नहीं। फालतू खर्चे फालतू खर्चे, जे आपां बच्चों की खुशी ना पूरी की ते फिर होर की करनी है? नाले कमाने भी तो बच्चों वास्ते ही आ। मैं एक बार कहता ना, ये सब करन दी लोड़ नहीं। बाणी, ऐदा क्यों रिएक्ट कर रही है तू? किहो जिही माँ है तू जिहड़ी अपने बच्चों का ना सोच के होर ही फालतू दीआं गल्लां सोची जानी आ? बाणी, तू खुश नहीं ना सैम ते पुखराज की मैरिज तो? तैनू हजे भी प्रॉब्लम है ना सैम तो? सच
सैम पुखराज की वाइफ बन चुकी है ते मेरी नू भला मैनू की प्रॉब्लम हो सकती है। नाले हर माँ अपने बच्चों का भला सोचती है, उन्होंने चंगा मंगती है, ते मैं भी यही कर रही हूँ। बाणी दे रिएक्शन्स नू ना इग्नोर करना ही ठीक है, इहदा कुछ नहीं पता लगता कदों की सोचन लग जाए, पर जांदी जांदी एक सलाह वधिया देगी पुखराज ते सैम दे हनीमून दी। चलो कर दिया कुछ प्लान। मैंने तो आज तक मेरे फेवरेट सैंडविच बने, मैं तो खा रहा। रुक जा पुखराज नु आ लेंदे फिर शुरू कर दे। ओ बीजी ओ आने वाला है। सैम पुखराज किथे है? खबर है तेनू कोई ओदी? वाइफ है ना तू ओदी, घट्टो घट तेनू इन्ना तो पता होना चाहिए ना कि तेरा पति किस टाइम कितने होंगे। बाणी की होया तेनू, थोड़ा आराम नाल तुसी तो चुप ही रहो, लाडली नूह की साइड लैना बंद करो। बाणी बस बहुत हो गया, मनिया सैम पुखराज की पत्नी है पर एदा मतलब ये नहीं कि हर वेले वो पुखराज नू पल्ले ना बन के घूमती फिरू। उदा हर वेले ध्यान रखो कि वो कित्थे गया कदों गया। पर बीजी घट्टो घट इहनू थोड़ा तो पता होना चाहिए ना उहदे बारे कि इहदा पति किस टाइम कित्थे हुंदा है, ये हर पत्नी का फर्ज हुंदा है। वैसे बाणी गलत भी नहीं कह रही, ये सैम ते पुखराज कहण नू तां इक दूजे दे नाल ने पर इक दूजे तों उखड़े उखड़े जे फिरदे ने, कुछ तां गड़बड़ है इन दोनों विच। बाणी भाभी दी बोल बाणी तो लग रहा है इन्हें सैम दे पैर इस घर विच लगन नहीं देने, कुछ ते खिचड़ी पक रही है इहदे दिमाग विच। लो आ गया पुखराज, आ जा पुत्र तेरा इंतजार हो रहा, बैठ। सैम पुखराज थोड़े वास्ते मेरे को एक सरप्राइज है। सरप्राइज भी जी? हेलो थोड़ी टिकटा। ओ पीजी टिकटा नहीं, हनीमून टिकट्स, ओ भी पेरिस दी। हनीमून पेरिस? शायद हनीमून ते जान इन दोनों दे विच पई दूरी मिट जावे। चलो हुण सारे शुरू करो खाना। बानी तू किथे चल पी? मैनू थोड़ा काम है, मैं आनी हूँ। बीजी। हाँ पुत्र। पुखराज बाणी भाभी नू सैम ते पुखराज दा रिश्ता हजम नहीं हुंदा, जदों देखो कुकड़ी वन के देखदी रहिंदी सैम नू। मेरे पैरां हेठो तां जमीन ही निकल गई जद बीजी ने सैम ते पुखराज दे हनीमून ते जाण दी गल कीती। दिल तां करदा सी उसे वेले मना कर दवां पर उन्हां दी तबीयत देख के अजकल उन्हां नू कुछ कह भी नहीं सकते, बस हाँ च हाँ मनानी पैंदी है। पर मैं सैम नू अपने पुखराज दे नाल हनीमून ते जाण तों रोकांगी। मैं 24 घंटे के अंदर अंदर अजिहा जरूर करांगी कि सैम मेरे पुखराज दे नाल हनीमून ते जाण दे लायक ही ना रहे, पर इदां दा की करां? मैं सैम नू इस घर तो गायब ही करवा देनी हूँ। ना रहूगा बांस ते ना बजूगी हंसरी। हाँ केड़ा नवा पाप है गया, एक तेनू चेलना कट सी जिहड़ा हुण तेरे नाल हनीमून ते भी जाना पऊगा। की करिए हनीमून सिचुएशन दा,
जाना था पैना है और तेनू पता है मैं तो डिसाइड भी कर लिया कि पैरिस में कितने कितने जाना और की खाना। ओ हेलो पागल वागल है कि तू मैनू नहीं जाना तेरे नाल। एक्सक्यूज मी तेनू की लगता है कि मैं तेरे नाल जाने इंटरेस्टेड हां? डोंट गेट हाई होप्स इवन आई डोंट वांट टू गो विद यू ओके। पर आप दस हुण करिए कि किद्दा घर दे नू बनाइए ताकि उन्हां नू साडे ते शक भी ना होए। लेट मी थिंक हां पानी भाभी हुण ऐ की करन दी तैयारी छे पता कर महिंदर क्योंकि दुश्मन दा दुश्मन दोस्त हुंदा। हां हेलो हेलो मैनू तुहाडा नंबर किसे तो मिलिया सी। सीधा काम दसो मैडम की काम है। अमन यार की हो गया इनू स्टार्ट हुंदी फिर बंद होई जांदी है। ओ पापा जी पता नहीं ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਖਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਅਮਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲੂੰਗੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। चलो लगते हाथ हम सारे वास्ते चाह भी बना दें। चाह बना रही है बानी? हाँ क्यों ना बनावा? नहीं नहीं बना बना। अच्छा मैं ये कह रही थी कि अमन वास्ते ना बनाई मैं उसे प्रोटीन शेक बना रही हूँ। दूध कितने है बानी? फ्रिज में ही होना। की फ्रिज दी लाइट नहीं जग रही? फ्रिज बंद है या खराब होया? पता नहीं मैं तो चाह बनाने च बिजी हाँ तो चाह का टाइम भी हो रहा सारे जने वेट कर रहे होने हैं। तू इदा कर किसी मकैनिक नू बुला के ना फ्रिज दिखा ला नहीं तो फ्रिज का सारा समान खराब हो जाना। हाँ इदा कर दी हाँ मैं पहले सारा समान काढ़ के फ्रिज खाली कर दिनी हाँ। हाँ जी आंटी जी। पुत्र गल सुनी एक मिनट।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी सैम पुत्र मेरी एक हेल्प करेंगी मैं ना अमन लिए प्रोटीन शेक बनाना है तू फ्रिज खाली कर दे पुत्र सैम नू इत्थे बुला के लवली ने मेरा अद्धा काम ते करता हुण खुद इत्थों चली जावे तो मेरा बाकी दा काम भी हो जाएगा चल सैम पुत्र मैं अमन नू प्रोटीन शेक दिनी है ते मैकेनिक नू भी फोन कर लेनी है वैसे तो फ्रिज ऑलमोस्ट खाली हो गया तो इन्हें बंद करके रख हाँ बस ये पोर्शन रह रहा कर दिया मैं हाँ यही मौका है बानी कर अपना काम स्टार्ट ले तेरी चाह काम कर दे ना पी ले पुत्र कि ठंडी ना हो जाए अच्छा थैंक यू मम्मी जी ठीक है हुण मेरा काम हो जाऊगा जदों तक मैं सारिया नू चाह दे के आना ते मेरे आन तक सैम ने बेहोश हो जाना है चाह का टेस्ट कुछ अजीब जहा लग रहा है शरण हाँ जी भाभी किथे जा रही है मैं वो किचन च चली सी भाभी काम सी कोई ओना एक्चुअली लवली भाभी ने कहा सी कि मैं सैम नू कह दा वी फ्रिज दे मकैनिक जेड़े ने थोड़ी देर च आ रहे ने ते मैनू लग्या मैं ओदी थोड़ी हेल्प भी कर दा समान संभालन दे विच मेरा बनिया बनाया प्लान खराब कर देना इन्हें जे किते इन्हें सैम नू किचन विच बेहोश वेख लिया तां शरण हेल्प दी तो मैनू भी लोड़ है हाँ जी भाभी दसो शरण मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं तू इदा कर लॉन्च जाके ना सारिया नू चाह सर्व कर दे ते सैम नू मैसेज मैं दे दिनी हाँ हाँ जी भाभी मैं ना सर्व कर दिनी हाँ चाह तुसी ना सैम नू मैसेज दे के फिर रेस्ट कर लियो हाँ शरण थैंक यू शरण हुण तक तां मेरी गोली ने असर विखाउणा शुरू करता होना है या अखां एकदम भारियां भारियां हो रहीआं डिजीनेस हो रही है यार